होने वाली नाव के चर्चे क्यों है ये आपको पूरी कहानी देखने के बाद ही पता चल पाएगा। पूरा इलाका पानी से जलमग्न और मुसीबत की इस घड़ी में लोगों के लिए उम्मीद की किरण ये नाव। समाज सेवा की तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी लेकिन ये तस्वीर अनूठी है। बिना किसी स्वार्थ के ये नाव जलमग्न हो चुके इस इलाके में घूम रही है। आप कहेंगे ये क्या बात है, बाढ़ का पानी है तो नाव ही तो सहारा होगी, इसमें क्या नया है। लेकिन जनाब नया है, नया ये है कि कानपुर के जिस मकड़ीखेड़ा इलाके में बाढ़ आई है वहां कोई नाव नहीं थी। लेकिन इस शख्स ने जिसका नाम दिलीप है इस इलाके में बाढ़ का पानी घुस जाने के बाद अपने पैसों से ये नाव खरीदी। मकड़ीखेड़ा खेवरा कछार कहते हैं इसको, और यहाँ पे बड़ी समस्या है, हम लोग बहुत परेशान है और बाढ़ पीड़ित से बहुत ही ज्यादा परेशान है। करीब 10 दिन पहले इससे धीरे धीरे पानी आना चालू हुआ, फिर उसके बाद ज़्यादा ही पानी चालू हुआ, फिर हम लोगों ने ये नाव मंगाई और नाव मंगाने के बाद में निःशुल्क सेवा भी दे रहे हैं। मकसद सिर्फ एक कि लोगों को बाढ़ का ये पानी परेशान न करे। इस कठिन वक्त में दिलीप की ये नाव निःशुल्क सेवा में लगी हुई बीते एक सप्ताह से कानपुर के इस इलाके में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। मुश्किलों का आलम यह है कि पानी की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो चुके थे। 6 से 7 फीट तक का पानी भरा हुआ है, लोग रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें तक नहीं ला पा रहे थे। ऐसे में दिलीप ने इस नाव को बनवाया और इस इलाके में निःशुल्क सेवा के लिए लगवा दिया। ये नाव दिन भर जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और दिलीप दुआएं लेते हैं। राहुल वाजपेयी, कानपुर, इंडिया न्यूज। उस रिपोर्ट के साथ अब रुकना का कुछ पलों के लिए होंगे, फौरन हाजिर, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।